दोस्तों, बड़ी ही अच्छी खुशखबरी आई है। नई बंपर सरकारी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं। आज फिर से एक बड़ी बंपर भर्ती आई है। सभी सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। 7,500 से भी ज़्यादा पदों के लिए। इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2023 है। तो दोस्तों, आप इसे 2023 की पहली रिक्रूटमेंट भी बोल सकते हैं। और नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। अगले महीने से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा, जो कि 9 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसियां हैं। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पदों का विवरण देख लेते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या एज लिमिट निर्धारित की गई है, कहाँ कैसे जाके आपको इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये देखिए दोस्तों, काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टीजीटी आर्ट्स की कुल वैकेंसियां हैं 1,970। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। और इन 1,970 में से 650 सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व हैं। टीजीटी पीसीएम की कुल वैकेंसियां 1,419 हैं, फीमेल के लिए 1,468 हैं। टीजीटी सीबीजेड केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी कुल वैकेंसियां 1,205, फीमेल के लिए 398 हैं। टीजीटी हिंदी की वैकेंसियां 1,352 हैं, फीमेल के लिए 440 हैं। संस्कृत की 723 हैं, फीमेल के लिए 238 हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की 841 कुल वैकेंसियां हैं, इसमें 277 फीमेल के लिए हैं। तेलुगु की 6, फीमेल के लिए 2 हैं। उर्दू की कुल 24 वैकेंसियां, फीमेल के लिए 8 वैकेंसियां इनमें से रिजर्व हैं। तो कुल पदों की संख्या 7,540 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,487 पद इनमें से रिजर्व हैं। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ रिजर्वेशन का पूरा चार्ट दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट है, इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 11 दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगा, जो कि 9 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। और जो ये रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट आ रही है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से 7,540 पदों के लिए रेगुलर गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 23/11/2022 को जारी किया गया है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। पे स्केल देखिए दोस्तों, टीजीटी आर्ट्स पीसीएम और सीबीजेड के लिए 35,400 पर मंथ लेवल 9, तो ये पे स्केल है दोस्तों। सैलरी आपको इसमें 55-60 हजार रुपए के आसपास स्टार्टिंग में मिल जाएगी। टीजीटी हिंदी संस्कृत तेलुगु और उर्दू का पे स्केल 35,400 पर मंथ लेवल 9, मतलब वही पे स्केल है। फिजिकल एजुकेशन टीचर का पे स्केल जरा सा कम है, 29,200 पर मंथ लेवल 8 है इनका फिजिकल एजुकेशन टीचर का। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 38 है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एससी एसटी एससीबीसी और वुमेन और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को अपर एज लिमिट में कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट यहां दी जा रही है। पदों का विवरण मैं आपको बता चुका हूं, मेन मेन डेट आपको बता दी है, ऑफिशियल वेबसाइट है oscc.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन इनका मिल जाएगा और यहीं से आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी देखिए दोस्तों, कोई भी भारत का नागरिक जिसका करेक्टर अच्छा हो, जिसकी हेल्थ ठीक हो, वो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पर एक बड़ी कंडीशन है, ये कंडीशन आप स्टार्टिंग में ही देख लीजिए दोस्तों। उड़ीसा में रिक्रूटमेंट आई हुई है तो उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, सीधी सी बात है ये। या तो आपने 10th क्लास में फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट या थर्ड सब्जेक्ट के रूप में उड़िया जरूर से जरूर पढ़ी हो, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर 10th में नहीं पढ़ी है तो 10+2 में आपने उड़िया पढ़ रखी हो। अगर 10+2 में भी नहीं पढ़ रखी है तो उड़िया एग्जामिनेशन दे रखा हो आपने 10th का, जो कि बीएससी उड़ीसा के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिला के उड़िया लैंग्वेज आपको आनी आवश्यक है, मतलब उड़िया एज अ सब्जेक्ट आपने 10वीं या 12वीं में जरूर से जरूर पढ़ रखा हो, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एससीबीसी कैटेगरी से हैं तो 45% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड और उसी के साथ साथ उड़ीसा का टेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है।
तो ये क्वालिफिकेशन है दोस्तों, अगर आपके पास हैं तो आप आवेदन कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट OSS TET भी आपका क्लियर होना आवश्यक है, तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस अगले महीने से इनका शुरू हो जाएगा। रिटन एग्जाम के बेसिस पे यहाँ आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेबस वगैरह सारी जानकारी इस ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराई गई है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन कहाँ अवेलेबल है? ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि है OSS CET.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज पे ही ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे जाएगा। कल 23 नवंबर 2022 को अपलोड किया गया है। व्यू PDF पे क्लिक करके आप इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कोई भी नई जानकारी हमारे तक पहुंचेगी, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी YouTube चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर ले चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।